السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين ذين يعني إنسان كي عادت هي، وہ كيسي بات को ज़ोर दे करके कहना चाहता है या किसी बात की ताकीद चाहता है तो आम तौर पर हलफ़िया कसम या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है कि अल्लाह की कसम मामला ऐसे है अल्लाह की कसम मामला वैसे है अल्लाह की कसम मैं ऐसे करूँगा अल्लाह की कसम आइंदा से मैं ऐसे नहीं करूँगा वैसे कसम खाना कोई अच्छी बात नहीं है यानी अल्लाह ताला के नाम को अपने दुनियावी मामलात में दाखिल करना ये कोई अच्छी बात नहीं है अल्लाह का नाम बड़ा अजीम है हो सकता है आप अपनी बात पे ना रह पाए हो सकता है आप कुछ ऊंच नीच कर जाएं, तो क्यों अल्लाह के नाम को खामखा अपने मामलात में दाखिल किया जाए लेकिन चूंकि आदत है इंसान कर लेता है तो शरीयत में ये बात कही गई कि कसम सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए सिर्फ अल्लाह की कसम लेनी चाहिए अल्लाह के अलावा किसी और की कसम लेना जायज़ नहीं है अगर कोई बंदा किसी बात पे कसम खा ले फिर उसे लगे कि जो उसने कसम खाई है उसे कसम नहीं खानी चाहिए थी जो कसम ली है उसे कसम नहीं लेनी चाहिए थी तो उसका मखरज क्या है उसका हल क्या है निकलने का रास्ता क्या है मोसरीन चूंकि इंसान की तबीयत में होने वाली बास गलतियां हैं बास जल्दबाजियां हैं तो रब करीम का एहसान मानिए कि उसने निकलने के रास्ते रखे हैं वरना अगर रास्ता बंद होता जब तो बड़ी मुश्किल हो जाती बंदा बड़ी तकलीफ में आ जाता कि जो उसने कसम ली है उसे पूरा करे हर हाल में उसी पे जमा रहे अब्दुल रहमान इब्न असम रह रह रजी अल्लाह तआला अनहु से नबी करीम अलैहि सल्लतु व सलाम ने फरमाया बखारी मुस्लिम की हदीस है اذا حلفت على يمين فرات غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير एक और लफ्ज़ है फैतल लवी हुआ खैर वक़फिर अन्यमिन के अब्दरहमान अगर तुम किसी बात पर कसम खा लो फिर कसम लेने के बाद तुम्हें पता चले कि नहीं ये नहीं वो बात बेहतर थी तो तुम ये करो कि अपने कसम का कफ़ारा दे दो और वो करो जो खैर है तो ये हदीस हमें ये तालीम देती है अल्लाह के रबी आल असलातम हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम किसी बात पे कसम ले ले मिसाल के तौर पर गुस्से में आकर के बंदा कहता है कि कसम अल्लाह की मैं फलां पर खर्च नहीं करूंगा कसम अल्लाह की मैं फलां से बात नहीं करूंगा मोजा साजरीन सबसे पहले तो किसी मारूफ के ना करने की कसम नहीं खानी चाहिए किसी भलाई के ना करने की कसम आपको नहीं खानी चाहिए नहीं लेनी चाहिए आपको ऐसी कसम के मैं फलां काम नहीं करूंगा लेकिन अगर हो जाए किसी से कुछ झगड़ा हो किसी से कोई मसला हो किसी बात पे आप गुस्सा हो जाए आप कहते हैं कि कसम अल्लाह की मुझे फलां काम नहीं करना है लेकिन वक्त के गुजरते पर पता चले कि उस काम को आपको करना चाहिए था उसमें खैर है उसमें घर वालों का खैर है उसमें फलां आदमी का खैर है उसमें आपकी आपकी अपनी भलाई है तो ऐसी सूरत मखरज ये है कि आप जो कसम आपने खाली है कसम पे जमे ना रहें कसम तोड़ दें क्योंकि कसम में खैर नहीं है खैर किस में है खैर उसमें है जो कसम के खिलाफ है तो नबी क़रीम अलैहिस्सलाम ने कहा कफ़िर अनियामीनिक अपने कसम का कफ़ारा अदा कर दो वहल हुआ खैर जो खैर है वो कर लो अब होता ये है कि बाज़ात आवाम में से कुछ लोग किसी बात पर कसम खा लेते हैं फिर जब उनको कसम तोड़ने का मसला आ जाए तो मामले को बहुत बड़ा बना देते हैं कहते हैं कि कसम मैं अब तोड़ नहीं सकता मैंने कसम खा ली है दूसरों को तकलीफ़ में डाल देते हैं खुद हरस में पड़ जाते हैं तकलीफ़ और मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं लेकिन कसम नहीं तोड़ना चाहते ये कोई तकबे वाली बात नहीं है ये कोई बहुत ज़्यादा नेकी वाली बात नहीं है बल्कि आप इस हदीस को देखें जो कि बुखारी मुस्लिम ही की हदीस है अबू हुरैरा रजी अल्लाह हैं कि नबी क़रीम करीब ने फरमाया कि अगर कोई अपने अहलयाल के किसी मसले में किसी बात पर कोई कसम खा लिया हो अब वो कसम पर जमा रहे अहलोयाल तकलीफ़ में हैं कसम खाली के फलां से बात नहीं करूँगा फलां पे खर्च नहीं करूँगा फलां से ताल्लुक नहीं रखूँगा फलां के घर नहीं जाऊँगा कसम खाली है उसने अब चूंकि उसने कसम खाई है अब वो कसम पे जमा रहना चाहता है तो ऐसी कसमों पर उसका जमा रहना उसे ज़्यादा गुनहगार बना देता है इसके मुकाबले में कि वो कसम का कफ़ारा अदा कर दे जो कफ़ारा अल्लाह ने कसमों का फ़र्ज़ कर दिया वाजिब कर दिया है तो मजहरीन सबसे पहले तो ऐसी कस्बें ना खाएं ऐसी कस्बें ना लें और अगर कभी अल्लाह ना करे ऐसे मामलात हो जाएं, तो ऐसी सूरत में हल ये है रास्ता ये है कि आप उस कसम को तोड़ दें कफार अदा कर दें और वो करें जो ज़्यादा तकवे वाला काम है इब्न इब्दुलमनिर ने एक रिवायत नकल की है अब्दुल्लब्र मसूद रसी अल्लाह तु के पास कोई खाना पेश किया गया कोई खाना लाया गया तो एक आदमी आहिस्ते से बाजू हट गया उन्होंने पूछा क्या मसला है तो कहने लगा कि इन्नी हर्रम तो अल्ला को लहू मैंने इसको अपने ऊपर हराम कर लिया है कि मैं कभी नहीं खाऊंगा इसको होता है इंसान के साथ कि आइंदा से मैं फुला के घर का नहीं खाऊंगा खुद नबी करीम सलातम के साथ हुआ अपनी बीवियों के और में आकर के नबी करीम सलातम ने कसम इस बात की खाई कि आइंदा से मैं कभी शरबत नहीं शहद शर, नहीं पीऊँगा अल्लाह ने तबीह करते हुए कहा या नीचो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया अपने यहाँ पे हराम क्यों करते हो होता है इंसान के साथ कभी कसम खा लेता है कि फुरा चीज़ नहीं खाऊंगा इब्न मसूद रफी अल्लाह तु के सामने उस आदमी ने कहा कि मैंने इसको अपने ऊपर हराम कर लिया है तो इब्न मसूद रजी अल्लाह ने कहा कि उधनू फुल वक़िरानीन आओ आओ इसे खा लो और अपने कसम का गफारा अदा कर दो अपने कसम का गफ़ारा अदा कर दो तो मजा साजरीन अगर ऐसी कोई कसम किसी की ज़िंदगी में आ जाए कि जिस कसम को तोड़ने में तकवा हो जिस कसम के पूरा न करने में अल्लाह ने कोई खैर रखा हो तो ऐसी सूरत में आप यह करें कि आप उस कसम को तोड़ दें उसका कफ़ारा आप अदा कर दें और वो करें जिसमें खैर है यह आसान मखरज अल्लाह ताला ने रखा है और कसम का कफारा यह है कि आप दस मस्किनों को एक वक्त का पेट भर खाना खिला दें या दस मस्किनों को कुछ पहना दें कुछ ड्रेस दिलवा दें या फिर किसी गर्दन को आजाद करें गुलाम को आजाद करें या अगर यह चीजें ना हो सकें तो ऐसी सूरत में तीन दिन के आप रोज़े रख लें ये आपकी एक कसम का कफ़ारा होगा तो मज़ा हाजरीन सबसे पहले तो बात यह है कि आप कस्बे न खाएँ कस्बे लेना कोई अच्छी बात नहीं है और अगर किसी बात पर आपने कसम ली हो और वो कसम के ख़िलाफ़ करने में भलाई ज़्यादा हो किसी और का फ़ायदा ज़्यादा हो तो आप कसम तोड़ करके वो काम कर लें जिसमें किसी और का भला हो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शरीयत की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए हमारी जबानों के अल्लाह ताला हमें हिफाजत की तौफीक नसीब فرماي. آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته